लोडावासियों जन्माष्टमी के लिए इन्वाइट करने के लिए। जन्माष्टमी इस्कॉन का एक बहुत बड़ा अपने आप में अद्भुत कार्यक्रम होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ में इस्कॉन नोएडा मनाता है। तो हम चाहते हैं कि सभी पूरा नोएडा यहाँ दर्शन करने के लिए आए और दर्शन करके भगवान का दर्शन करें और ठाकुर जी का आशीर्वाद लें और अपने जीवन को मंगल बनाए। इस्कॉन नोएडा में बहुत ही भगवान की सुंदर झांकियों का दर्शन होगा, भगवान का फूल बंगला सजाया जाएगा। विशेष ठाकुर जी का जो आकर्षण है, एक नई पोशाक वृंदावन धाम से बन रही है, जिसको ठाकुर जी पहले मंगल आरती में पहला ड्रेस पहनेंगे न्यू, सेकंड जो है 7:30 में श्रृंगार दर्शन में भगवान का स्पेशल फूलों की माला के द्वारा और सुंदर ड्रेस पहनेंगे। फिर रात्रि को 12 भगवान ठाकुर जी का जब अभिषेक होगा उस समय भगवान धारण करेंगे। तो इस तरह से ठाकुर जी को समय समय पर अलग न्यू ड्रेस पहनाई जाएगी और अद्भुत इंटरनेशनल लेवल के कितनिया भक्त होंगे, यहाँ पर कीर्तन होगा और बहुत सुंदर कल से कार्यक्रम होंगे जिसमें के इंटरनेशनल लोगों के भक्त उसमें आकर के उसको डांस इत्यादि करेंगे। तो ये कार्यक्रम जो है और पब्लिक के लिए अनवरत प्रसाद का वितरण होगा, जो भी आएगा दर्शन करने के लिए उन सबके लिए दर्शन के बाद में प्रसाद मिलेगा। सब कितने लोग आ सकते हैं? आने के लिए अनलिमिट, जो भी आए जितना भी आए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या तैयारी है की गई है? को लेकर के हमने पूरे पुलिस प्रशासन के कमिश्नर के पास हमने इन्फॉर्म किया है, वो भी अपनी व्यवस्था बना रहे हैं और हमने भी प्राइवेट सिक्योरिटी PSO हमने लिए है। 1000 PSO हमारे पास है, गार्ड्स रहेंगे, प्लस हमारे 1000 वॉलंटियर्स हैं वो भी सेवा कर रहे हैं। तो स्वच्छ व्यवस्था मेटल डिटेक्टर मशीन दोनों गेट पर रहेगी स्वच्छ व्यवस्था के लिए। तो ये व्यवस्था स्वच्छ व्यवस्था की। कितने श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है? श्रद्धालुओं का हम 5 लाख लोगों की उम्मीद कर रहे हैं कि 5 लाख तक भक्त आएंगे, लेकिन आशा करते हैं जो वृद्ध लोग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं उनको हम चाहते हैं अवॉइड करें, वो घर पर रहें, घर से ही लाइव दर्शन करें ताकि इतनी भीड़ होगी, हुमस होगी, ताकि कोई किसी का घटना घटे। इसके आज से हम चाहते हैं, सभी से प्रार्थना करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि सभी लोग ऐसे लोग जो वृद्ध लोग हैं वो घर पर रहें और सुरक्षित रहें अपने घर पर, ऐसी हम आशा करते हैं। धन्यवाद महाराज। जन्माष्टमी के पहले जो सब उत्सवों की एक श्रृंखला है जिसमें झूलन यात्रा से शुरू होती है और फिर बलराम जयंती आती है। ये पवित्र पाने एकादशी है, 25 अगस्त उस डेट से शुरू होगी, 31 अगस्त तक ये चलेगी और प्रतिदिन भगवान को झूला झुलाया जाएगा, छोटे उत्सव विग्रह उनको झूला झुलाने का अवसर दिया जाएगा जितने हमारे श्रद्धालुगण यहाँ आएंगे। और बलराम जयंती के दिन जिस बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई हैं उनका पहले जन्म होता है, जन्म उत्सव मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन होता है, तो वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से ये 31 तारीख को पड़ता है, पड़ेगा इस पर, और उस दिन बलराम जयंती मनाई जाएगी, मटकी फोर का कार्यक्रम किया जाएगा, प्रसाद वितरण किया जाएगा। मैं वेदांत चंद्रा बोल रहा हूँ, मैं इसको नोएडा का प्रेसिडेंट के रूप में सेवा दे रहा हूँ। हम इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही विशेष यूथ फेस्टिवल है, उड़ान स्कूल हाई फॉरएवर करके इस नाम से हम एक बहुत सुंदर यूथ फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं एंड उस फेस्टिवल की लॉन्चिंग जो है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम करेंगे। एंड ये यूथ फेस्टिवल बेसिकली ये अक्टूबर की लास्ट में 28-29 के समय पर ये होगा। एंड इस यूथ फेस्टिवल के मूल उद्देश्य ये है, यूथ के अंतर्गत एक मेंटल वेलनेस की प्रोग्राम, मेंटल वेलनेस की ट्रेनिंग दिलाने के लिए, उसके लिए हम कुछ अच्छे एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, फिर बहुत सुंदर प्रकार के आयोजन इत्यादि होगा। एंड इसके अंतर्गत लगभग 15,000 यूथ नोएडा ग्रेट नोएडा से 15,000 यूथ भाग लेने की एक संभावना है। एंड अगर इतने लोग अगर पार भाग लेंगे इस मेंटल वेलनेस प्रोग्राम के अंतर्गत तो निश्चित रूप से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में स्थापित भी हो सकता है। बट हमारा विशेष ध्यान यही है कि आजकल की युवा जिस प्रकार की मानसिक समस्याओं से जो सफ़र करते हैं उन समस्याओं को अपने जीवन के अंदर कैसे डील कर सकते हैं उसके एक प्रॉपर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उनको हम उस प्रोग्राम के द्वारा देंगे। फिर साथ ही साथ उनको आगे जाकर उसके संबंधित कोई भी असिस्टेंस चाहिए फिर उसके लिए हम प्रॉपर प्रोग्राम्स में हम आगे सपोर्ट के लिए हम अपने सारे उन सारे प्रोग्राम्स की विशेषण जो है इस कार्यक्रम के अंतर्गत होगा। इस प्रकार की एक बहुत सुंदर यूथ फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल की मिनिमम चार्जेस है 200 रुपये की एंड इस पे रजिस्टर करने के लिए हम बहुत जल्दी ही उसका फेस्टिवल लॉन्च के समय पर हम उसका लिंक्स वगैरह हम शेयर करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही होगा तो ऑनलाइन के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है उसमें बट ये फेस्टिवल जो है स्पेसिफिकली 15 से 35 साल उम्र के लोगों के लिए।
एंड इसमें कई कॉलेजेस, कई स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज भाग लेंगे, फिर कई स्कूल्स, कॉलेजेस की प्रिंसिपल्स, चेयरमैन इत्यादि इसमें भाग लेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग इस प्रोग्राम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, काफ़ी लोग आएंगे इसमें, यही हमारी आशा है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।